हाय दोस्तों, एमेरल्ड कोर्ट के साथ में जो ट्विन टॉवर्स थे उसके डिमोलिशन के बाद आज तीसरा दिन है। जिंदगी वापस लौट चुकी है एमेरल्ड कोर्ट के कैंपस में। आज हमारे एमपी थिएटर में गणपति बापा की पूजा है, तो चलो मैं आपको पांडाल में लेके चल रही हूँ अपने गणपति बापा की पूजा के। गणपति बापा मोरया। तो चलो लेकर चलती हूँ आपको एमपी थिएटर। एमपी थिएटर बिल्कुल उस जगह है जहाँ वो आकाश आपको साफ दिख रहा है, जहाँ पहले वो ट्विन टॉवर्स खड़े थे जिनका कि बिल्कुल डिमोलिशन हो चुका है। ये वो जगह है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही जगह। हमारा आकाश, हमारा सूरज हमको अब दिखना शुरू हो गया है। तो चलो पांडाल की तरफ चलते हैं, दिखाती हूँ। अभी तो बहुत जल्दी मैं आ गई हूँ, थोड़े से लोग बैठे हैं, बस जल्दी ही हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है और मैं आपको उसके बारे में सारी जानकारी दूंगी। मैं क्या जानकारी दूंगी, वीडियोज ही अपने आप जानकारी देंगे। देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जल्दी जल्दी नीचे आ जाएं, क्योंकि पूजा का मुहूर्त का समय निकला जा रहा है और सिर्फ आपका ही इंतजार है। हाँ जी मैम, जल्दी आइए। बता रहा हूं, गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। आप उठकर के आते हो और गणेश जी के ध्यान में या पूजन में संलग्न होते हो तो आपने रिद्धि की पूजा कर ली। अब हर कोई व्यक्ति सिद्धि के लिए ही पूजा पाठ करता है। सिद्धि अर्थात हम जहां उठ के आए हैं उसका हमें रिजल्ट अच्छा मिले, अचीवमेंट, सक्सेस। तो आप जो है गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि के साथ यहाँ बुलाया है आपने, बाकी सबने गणेश जी को बुलाया है। बोलो गजानन गणेश जी महाराज की जय। अब पांच या कन्याएं जो हैं, छोटी कन्याएं, वो यहाँ आए। पहले कन्याओं का पूजन। आज की जय। गणपति बाप्पा मोरया। तो गणेश जी के दुर्वा चढ़ाने का क्या तात्पर्य है? देखिए, जीवन में कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, मुश्किलें आएंगी आएंगी, हर रोज आएंगी, लेकिन जैसी दुर्वा हरी भरी 100 वर्ष तक बिना किसी विघ्न के हमारे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो, यही गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने का महत्व है। दुर्वा दुर्वा कुरान समर्पयामी समर्पयामी। हम दुर्वा के ऊपर के भाग को हम गणेश जी को अर्पण करते हैं। सबसे पहले मुख पे लगाइए, बोलिए मुखम मुखम तेजस्व हो, मुख में तेज हो। हाँ जी, अब इसके बाद नाक पे लगाइए, बोले नासों में प्राण वस्तु हो। कानों के लगाइए, कर्णयों में
श्रोत्रमस्तु हूँ, उनके अंदर सुनने की पावर हो, आप जो कुछ मांगे या भगवान को कुछ सुनाना चाहे वो सुन सकते हैं। बोलो लंबो गराए नमः, कर्णकाये नमः, इनके लंबे लंबे गाने सुन लेते हैं। उसके बाद बड़े प्रेम पूर्वक आंखों के लगाइए, नेत्रों में तेजस्व हो, नेत्रों में तेज हो, हम भगवान को देख सकें और भगवान हमारे ऊपर देख सकें। उसके बाद बड़े प्रेम पूर्वक मस्तक के लगाइए, बोलिए सिरे है सर्वे आशीर्वाद संतु हो, हमें शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति हो। बलमस्तु बलमस्तु तेजस्तु, इनके पांव के लगाइएगा। हाँ जी, अब पूरे शरीर को लगाते हुए सर्वे अंगानी शुभ भवन्तु, सभी को दुर्गा चढ़ा दें। पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। प्रसाद लेकर हम प्रसाद ग्रहण जब के सब लोग बच्चों को भी प्रसाद दें। Thank you.